नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता और मैं हूं नादिया खान। दुनिया समेत देश भर में बर्ड फ्लू का खौफ मंडरा रहा है। आइए जानते हैं बर्ड फ्लू से जुड़ी कुछ अहम बातें। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक बर्ड से दूसरे बर्ड में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि पक्षियों में। बर्ड फ्लू इंसानों में तभी फैलता है जब वे किसी संक्रमित बर्ड के संपर्क में आए हों। ये करीबी संपर्क कई मामलों में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों में ये संक्रमित बर्ड की साफ सफाई से भी फैल सकता है। अगर इंसानों के बीच संक्रमण की बात की जाए तो ये H5N1 बर्ड फ्लू इंसानों में होने वाले आम फ्लू की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में तभी फैलता है जब दोनों के बीच बहुत ही करीबी संपर्क हो, जैसे कि संक्रमित बच्चे की देखभाल करने वाली माँ या घर में किसी संक्रमित सदस्य का ख्याल रखने वाले लोग। बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए हैं तो किसी और के संपर्क से आने से पहले डॉक्टर को दिखाएं। डरे नहीं, जिस तरह कोरोना का समझदारी से सामना किया उसी तरह इसका भी सामना करेंगे। और बाकी ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए द जनता। धन्यवाद।